हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का CUET रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ CUET UG रिजल्ट्स के बारे में। आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होंगे कि सर मेरे वो स्कोर्स नहीं हैं जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे स्कोर शायद ऐसे नहीं हैं कि मुझे BHU या DU मिल सके। तो आप इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा और इस सेशन को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि आप अपने करियर को आगे करके कैसे प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, माई नेम इज सी अंकित लल्हा, आई वेलकम यू टू आर चैनल लल्हा एजुकेशन सेंटर। हम लोग यहाँ पे कॉमर्स और बाद बाकी कैरियर रिलेटेड सारी गाइडेंस देते रहते हैं। तो इस सेशन के रिगार्डिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आपके CUET रिजल्ट्स अप टू द मार्क नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, तो आप कैसे करके अपने आगे के करियर को प्लान करिए। फ्रेंड्स, देखिए CUET के अंदर में 10 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स थे। अगर सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हम सारे जो कॉलेजेस हैं सबकी सीट्स वगैरह को मिला दें तो भी शायद हम कह सकते हैं चलिए कुछ लाख सीट्स होंगी। ठीक है, 1 लाख सीट्स मान लीजिए, बहुत ज़्यादा, मैं एक बहुत अपर फिगर ले रहा हूँ। अगर हम कहें 10 लाख बच्चे हैं और 1 लाख सीट्स है तो भी 10 में से शायद एक ही बच्चे को उसकी मनचाही सीट मिलेगी। हर एक बच्चे को उसकी मनचाही सीट नहीं मिलेगी। तो बाद बाकी 9 में से अगर आप हैं तो आप परेशान मत होइएगा, खुद को निराश मत करिएगा, डीमोटिवेट मत करिएगा, अपने आप को मोटिवेटेड रखिएगा। इसमें आपके पास में मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को अब एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर में एनरोल करिए। बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप अपने लोकल प्राइवेट कॉलेजेस को देख सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कुछ और टॉप कॉलेजेस हैं उनको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ, वाराणसी के अंदर बहुत से टॉप कॉलेजेस हैं। एक यूनिवर्सिटी MGKVP जो कि अलग से एंट्रेंस कराती है। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को आप रेफ़र करिए और एक अच्छे से कॉलेज में आप अपने मन चाहे कोर्स के अंदर में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स को करने के दौरान, अपने ग्रेजुएशन कोर्स को करने के दौरान, आप बाद बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स या खास करके जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ में, अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ में CA CS जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज को पढ़ करके अपने अंदर में वैसी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जैसा कि शायद कोई और न कर सके। तो आप अपने डिसएडवांटेज को अपना एडवांटेज बनाने की कोशिश करिए। ये कोशिश करिए कि अगर हमसे कुछ छूट गया है तो उसको हम अपने अपकमिंग ईयर्स में कैसे करके मेकअप कर सकते हैं। तो अपनी कमी को अपनी एक स्ट्रेंथ पॉइंट बनाइए। इस चीज़ को अगर आप करते हैं तो ऑब्वियसली 3 साल के बाद शायद बाकी लोग सिर्फ ग्रेजुएशन करके निकले, आप ग्रेजुएशन के साथ साथ में प्रोफेशनल कोर्स करके निकल सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने अपना कॉलेज कोई मिस आउट कर दिया और सच में आपका एकदम ऐसा ही एम था कि नहीं मुझे DU या BHU के अंदर में ही अपीयर करना था, स्टिल आई विल से कि अपना ईयर ड्रॉप मत करिएगा। ईयर ड्रॉप करना सबसे बड़ी गलती होती है मेरे हिसाब से। ईयर ड्रॉप करने का सजेशन मेरी तरफ से नहीं रहता है। आपको हमेशा एक कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक और ट्राई करना है तो आप नेक्स्ट ईयर के CUET के लिए फिर से ट्राई कर सकते हैं। आप नेक्स्ट ईयर वापस से CUET एग्ज़ाम्स दीजिएगा, लेकिन 1 साल तक पूरा वेट मत करिएगा। उस 1 साल में आप ऑलरेडी एक कॉलेज के अंदर में इनरोल्ड रहिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गेट योर सेल्फ इनरोल्ड इन टू अ कॉलेज एंड गेट द कोर्स यू वॉन्ट, यू डिज़ायर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपके CUET के स्कोर्स इवन दो लो हैं तो आप कैसे करके अपने आप को प्लान कर सकते हैं। समरी ओवरऑल ये है कि अपने आप को आप एनरोल करा लीजिए किसी दूसरे कॉलेज में, किसी प्राइवेट कॉलेज में, किसी अदर सॉर्ट ऑफ कॉलेज में। और भी बहुत से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि CUET के अंदर में नहीं है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं जो कि CUET के अंदर में नहीं आते हैं, आप उन कॉलेजेस के अंदर में भी अपने आप को एनरोल करा के अपना मनचाहा कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ में कुछ और कोर्सेज को ऐड ऑन करके अपने अंदर में वो वैल्यू एडिशन ला सकते हैं जो कि बाद बाकी कॉलेजेस के लोग भी कर रहे हैं। तो आप हो सकता है कि अपने ग्रेजुएशन खत्म होते होते तक उनसे कहीं आगे पहुंच जाएं। आई होप ये एडवाइस आपको समझ में आई होगी। और भी कोई क्वेरी, अगर और भी कोई डाउट है तो हमसे पूछिएगा ज़रूर, और एक बार लाइक ज़रूर से प्रेस करिएगा इस वीडियो पे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा जिनका CUET स्कोर उनके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं रहा। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।